बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बॉक्स हम स्वागर कर सकेंगे आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ आपका क्वेश्चन पेपर जो आप लोग आज देकर के आए हो 6 मार्च को ठीक है पहली बात तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेन गाइज सबका पेपर बहुत अच्छा गया मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स आए सो वेरी वेरी गुड ठीक है आज पेंटिंग का पेपर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग आपको और पेपर डिस्कस करवाने हैं मेरे को इंस्टाग्राम पे अपने पेपर का स्क्रीन भेज दो ठीक भाई सबसे पहला क्वेश्चन की भाई कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्टिन्यूस नगरटिव नेरेटिव मतलब एक स्टोरी बता रहा है जहाँ पे आपको एपिसोड्स वगैरह बता रहे हैं तो इन से द आंसर इज चित्रकूट जहां पे हम लोग देख सकते हैं कि हाँ भाई कैसे जो राम जी से हैं भरत मिलने आए ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन इज अच्छे एंड रीजन कि भाई फीमेल ब्यूटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ किशनगढ़ स्कूल किशनगढ़ स्कूल की बात कर रहे हैं जहां पे आपका जो पेंटिंग थी वो थी राधा बनी ठनी तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर है फीमेल ब्यूटी यस बोथ पेट्रोन एंड द पेंटर्स ऑफ द किशनगढ़ स्कूल वर वर्शिप्स ऑफ वर्शिपर्स ऑफ द फीमेल ब्यूटी तो हाँ भाई अगर आपने राधा बनी ठनी बहुत अच्छे से तो पढ़ी है उसके सब्जेक्ट मैटर पर ही मैंने आपको ये बात बताई थी कि वहाँ पर जो किंग है उनको कैसे बिल्कुल शौक था एंड वो कैसे वो बिल्कुल कैसे फैसिनेट करती थी वो जो एक क्वीन थी तो बोथ पेंटर्स और पेट्रॉन दोनों ही उसके वर्शिपर्स थे तो येस इसका आंसर होगा नंबर वन बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ठीक क्वेश्चन नंबर सी सेलेक्ट द पेंटर ऑफ द कांगड़ा स्कूल यहाँ पे आपको कांगड़ा स्कूल के बारे में बताना कि कांगड़ा स्कूल से कौन से पेंटर है भाई इसका आंसर है नैनसो क्योंकि राजा रवि वर्मा फ्रॉम इसमें बंगाल स्कूल डॉक्टर अरविंद सिंघानी ऐसा कुछ रही तो हमने पूरे सिलेबस में पढ़ा नहीं है और देवी प्रसाद देवी प्रसाद राय चौधरी ये है भाई आपके स्कल्पचर वाले के ठीक है मॉडर्न स्कल्पचर के ठीक नेक्स्ट डी पे आते हैं हु गेव द टाइटल नदीर उल आर्टिस्ट उस्ताद मंसूर अगर आपको इसके बारे में भी नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए उस्ताद मंसूर की बनाई गई पेंटिंग दैट इज़ फाल्कन ऑन बर्ड रेस्ट ठीक है वो है थी भाई आपके बनाई गई थी जहांगीर के टाइम पे आंसर डी का थ्री होगा ठीक है नेक्स्ट भाई असर्शन एंड रीजन अब इसके लिए नो का, काफ़ी बच्चों को डाउट है और एक क्वेश्चन भी थोड़ा ऐसा ही है देखो भाई पहला आपसे बोल दिया गया है फैक्ट क्या कि भाई बसोली स्कूल एमर्ज एज अ रिजल्ट ऑफ स्वीट यूनियन ऑफ पहाड़ी फोक आर्ट एंड मुगल मिनिएचर टेक्निक जब मैं आपको ये बता रही थी इस राजस्थानी स्कूल के टाइम पे तब मैंने आपको बता दिया था, था प्रॉपर तरीके से कि कैसे जो टाइमलाइन है वो चल रही है मुग़ल डेक्कन राजस्थानी एंड पहाड़ी तो ऑब्वियसली हम देख सकते हैं ना कि पहाड़ी स्कूल के ऊपर कहीं ना कहीं इसका इन्फ्लुएंस रहा ही है यहाँ पर साथ साथ अगर चल आपको ये भी नहीं लगा कि कोई इन्फ्लुएंस था या फिर एमरजेंस था आपको इतना पता है कि हाँ भाई पहाड़ी फोक आर्ट तो था ही था तो बसोली स्कूल एमर्ज एज रिजल्ट ऑफ स्वीट यूनियन ऑफ पहाड़ी फोक आर्ट भी थी उसमें येस मुग़ल मिनेजर टेक्निक भी थी उसमें येस और अगर आपको बसोली की पेंटिंग याद है तो आपकी एक तो पहले दो ही पेंटिंग्स थी जो आपको पढ़नी थी पहाड़ी स्कूल के अंदर और बसोली की आपकी एक ही पेंटिंग थी दैट इज कृष्णा विद गोपीज तो उसके अंदर भी हम लोग फीचर्स देख सकते हैं कि हाँ भाई मुगल मिनेजर के कुछ कुछ फीचर्स थे ठीक है अब इसके पीछे का रीजन इन्होंने क्या बताया कि भाई ऑल द नन ऑफ द पेंटर्स ऑफ बसोली स्कूल वर फ्रॉम द मुगल कोर्ट ऐसा कैसे हो सकता है देखो भाई मेरी तरफ से जो मेरा अनुमान है जितना मैंने पढ़ा है और एनसीआर में भी अभी जस्ट मैंने चेक किया कि कि ऐसा कुछ है नहीं वहां पे पे के 68 पे जाओगे अर्लियरिस दैट सडन चेंजेस वाज कॉज एंड इनिशिएटेड बाय द माइग्रेशन जो वर्ड आया ना माइग्रेशन ऑफ द आर्टिस्ट फ्रॉम मुगल ऑल्टियर तो इसका मतलब यही हुआ कि हाँ भाई जितने भी आपके जो आर्टिस्ट वगैरह थे वो कहीं ना कहीं आए थे आपके पहाड़ी स्कूल हिली स्कूल के साइड्स पे तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए क्योंकि यहाँ पे नन की बात की गई है तो आपको आपके टीचर से भी क्वेश्चन डिस्कस करना है आप कर सकते हो बाकी मेरे हिसाब तो से इट शुड बी सेकेंड ठीक तो है क्योंकि ए की बात ऑब्वियसली क्योंकि दोनों ट्रू है बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे नन की बात हो रही है ठीक है सेकेंड इज कि भाई बोथ एन आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेशन और बाकी तो बात बनती ही नहीं ठीक है नेक्स्ट भाई मुगल कौन सा मुग़ल रूलर था जो सपोर्ट नहीं करता था आर्टिस्ट को दैट इज औरंगजेब विच फिगर वॉर शोन इन द मिडल ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग की इंडियन नेशनल फ्लैग के टाइम पे कौन से मिडल में जो पिक्चर है वो बनी हुई है और यहाँ पे बात हो रही है नाइनटीन ट्वेंटी वन नाइनटीन ट्वेंटी पे देखो आपको आपको कंफ्यूज करने के लिए अशोका चक्र भी दे रखा है बट ये इसका आंसर नहीं है क्योंकि वो है 1947 का यहाँ पे तो आंसर इज स्पिनिंग व्हील आपको मैंने प्रॉपर जो नोट्स प्रोवाइड किए थे उसमें लिखा भी हुआ था कि हाँ भाई जो यहाँ पे फ्लैग है उसके बीच में बना हुआ है स्पिनिंग व्हील ठीक है नेक्स्ट बाय हुम द स्कल्पर संथाल फैमिली को किसने बनाया है तो भाई इसका आंसर इज राम किनकार भाई ये तो आपको प्रॉपर जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए थे उसके अंदर मैंशन ही था ठीक है अब हम लोग फटाफट आते हैं सेक्शन बी एंड सी पे जो कि मैंने आपको इंटायरली बहुत बार करवाया तो मैं चाहती हूँ इसके आपके सारे आंसर्स ठीक हो ठीक है यहाँ पे आपको बताना था भाई आमिर खुसरो के बारे में जो आपने प्रॉपर पेंटिंग पढ़ी है डेकन स्कूल के यहाँ पे आपको उसका डिस्क्रिप्शन देना था प्रॉपर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अलिया खुसरो अगर आपने नाम आगे पीछे भी कर दिए हैं तो आपके नंबर नहीं कटने चाहिए बिकॉज़ आपने दोनों ही नाम मैंशन किए हैं फॉर एक्जाम्पल आपने लिख दिया आमिर खुसू एन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया तो आपने दोनों नाम मैंशन किए हैं ना तो आपके नंबर नहीं कटने चाहिए ठीक बाकी आपको सब कुछ यहाँ पे डिटेल में बताना था हर एक चीज़ नेक्स्ट भाई आते हैं कि ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट बार साम्पल पेपर में कराया था कि चौगान पोलो एंड यहाँ पे आपको दे दिया कि भाई आपको बताना है कौन सी ऐसी पेंटिंग है जिसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है यहाँ पे आपको सब कुछ बता दिया है एविडेंस वगैरह है एंड इसी के साथ साथ स्किल प्लेयर्स वगैरह कर रहे हैं तो इसका आंसर है चांद बीबी प्लेइंग पोलो ठीक है चांद बीबी वाली जो ये पेंटिंग है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे द रीज़न हमको कैसे पता चला कि भाई ये टेकन स्कूल का है ठीक नेक्स्ट मैं फटाफट बस आपके साथ आंसर ऐसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है पेपर डिस्कस करना किसी को ज्यादा पसंद नहीं है ठीक ओके इन बसोली स्कूल द कोऑर्डिनेशन एंड द ऑर्नामेंटेशन फ्रॉम यहाँ पे आपको बसोली स्कूल के बारे में पूछा हुआ है एंड बसोली स्कूल के बारे में आपको सिर्फ और सिर्फ पूरे एंटायर पेंटिंग में पहाड़ी स्कूल में से सिर्फ एक ही पेंटिंग है दैट इज कृष्णा विद गोपीज ठीक है उसके बाद में आपको यहाँ आप पर सब कुछ बताना है टाइटल बताना है नेम ऑफ द पेंटर बताना है हर एक चीज उसके आ, आर्टिस्टिक फीचर्स वगैरह बताने हैं नेक्स्ट इसकी भाई आपको कांगड़ा स्कूल का बताना है एक आपका बसोली स्कूल का है एक कांगड़ा स्कूल का प्लस यहाँ पे आपको बता दिया कि भाई पीपल मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह और नाम का खुद ही हिंट दे दिया है भाई तो द आंसर इज नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन उसके बारे में यहाँ पे आपको हर एक चीज जो है वो बतानी है ठीक है नेक्स्ट द नेचुरल स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल्स एंड द अनकंफर्टेबल रियल पॉस्चर्स स्ट्रेचिंग मसल्स फॉर वर्किंग क्लास पीपल और स्कल्पचर ये जब मैंने आपको पढ़ाई थी ये पेंटिंग तब मैंने आपको स्पेशली डिटेल में सब कुछ बता दिया था कि हाँ भाई स्कल्पचर है यहाँ पे यूनिटी दिखा रहे हैं फोर पीपल है मसल मूवमेंट है तो आपको स्कल्पचर से ही पता चल जाना चाहिए कि भाई स्कल्पचर की बात कर रहे हैं तो मॉडर्न स्कल्पचर का पेंटिंग है ये एंड फोर वर्किंग क्लास मतलब फोर पीपल उसमें काम कर करो दैट इज़ भाई ट्रैम्प ऑफ लेबर ठीक है नेक्स्ट इज द लाइफ ऑफ विडोज विडो ये वर्ड पकड़ना था आपको यहाँ पे एंड इसी के साथ साथ तो आपको बताना था कि विडो भाई बहुत पेनफुल होता है सोसाइटी के लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगते हैं तो आपको बताना है यहाँ पे प्रिंट मेकर विडो एक वर्ड पकड़ा प्रिंट मेकर वर्ड पकड़ा प्रिंट मेकर क्या है भाई ग्राफिक प्रिंट से जो आपने उठाई ये वाली बात इसका आंसर होता है ऑफ वॉल्स ठीक है एंड आपको उसको यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन जो है पे बताने था ठीक नेक्स्ट भाई आइडेंटिफाई अप्रिशिएट द डोमिनेंट एफर्ट यहाँ पे आपको बताना था इन आर्टिस्ट ने कौन सी पेंटिंग बनाई है और इन आर्टिस्ट ने भाई एम एफ हुसैन है उन्होंने बनाई है आपकी मदर टेरेसा और राम गोपाल विजय वर्गीय जो है उन्होंने बनाई है आपकी भाई मेघदूत तो उसको यहाँ पे आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना था ठीक माँ इज अ ओके मैं अगेन क्वेश्चन पूरा पढ़ नहीं रही हूँ यहाँ पे आपको ये बताना है और ये बताना है इन दोनों के बारे में आपको पूरा का पूरा डिटेल करना है एक्सप्लेनेशन करना है हर एक चीज तो मदर एंड चाइल्ड बनाई थी आपकी जामिनी रॉय ने एंड चिल्ड्रन आपके बनाई थी सोमनाथ होड ने ठीक है सो so अगर आपने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं आपको सब कुछ सही किया है तो भाई आपके नंबर कहीं नहीं गए ठीक है नेक्स्ट इज भाई द आर्टिस्ट फ्रॉम राजस्थानी स्कूल इसके लिए मैं आप लोग को बड़ा लकी मानूंगी लाइक like लिटरली बहुत लकी कि आपको छः नंबर में ये बस एक पेंटिंग लिखनी है दैट्स इट मतलब आपको यहाँ पे बस छः नंबर बताना है कि भाई कृष्णा ऑन स्विंग की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं उसको आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना था और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में इसके अलावा ठीक है आइडेंटिफाई करना था कि आपके सिलेबस में कौन सी पेंटिंग है उसके बारे में आपको सब कुछ बताना था यहाँ पे एज अ टेस्ट जो मैंने आपको लिखवाए हुए हैं सेवन टू नाइन पॉइंट्स ठीक नेक्स्ट इज भाई डिस्कस द फॉलोइंग पेंटिंग आपको बतानी थी यहाँ पे मैंने कहा था ना ओरिजिन याद करना है ये इंपॉर्टेंट है मुगल स्कूल का आपको बता दिया गया यहाँ पे कि भाई आप पूरा भजशाल लिख करके आते हैं यहाँ पे ठीक है थोड़ी थोड़ी चीजें लिख करके आते हैं और कोई भी एक पेंटिंग जो आपको अच्छी लगती है उस वाले पोर्शन में से आ, मुगल स्कूल वाले में से कृष्णा लेफ्ट माउंट गोवर्धन फेल्को बर्ड रेस कबीरन रायदास मैराथ पोजिशन ऑफ दारा इन चारों में से जो अच्छी लगती है जो सबसे छोटी लगती हो वो आप लिख करके आए होगे तो आपका आंसर बिल्कुल टिच और सही गया है ठीक है लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत ही ज्यादा बहुत ही वाइड रेंज का क्वेश्चन था क्योंकि यहाँ पे आपसे सीधे पूछा गया था आपको आर्टिस्ट के बारे में बताना जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में हेल्प किया है पार्ट लिया है कोई भी एनी टू सर्च आर्टिस्ट के बारे में आपको बताना था आपके अब आप इसमें बेंगोल स्कूल ठीक है आपका इसमें मॉडर्न ट्रेंड वाला जो चैप्टर है वो और ग्राफिक प्रिंट्स इनफैक्ट आप स्कल्चर में चाहो तो वो भी लिख सकते थे इसमें इसमें से आपको जो जो पेंटिंग्स अच्छी लगी जो कोई भी दो याद हो और उनका आपको यहाँ पे बताना है कि भाई उन्होंने कैसे हेल्प की थी आपको फ्रीडम रिलेटेड मूवमेंट में तो सबसे अच्छी जो आप यहाँ पे पेंटिंग लिख सकते थे इसके अलावा आपने कोई भी लिखी है इन सब स्कूल्स में से इट्स अप टू यू बट सबसे अच्छी जो आप लिख सकते थे भाई आप मदर टेरेसा लिख सकते थे आप ऑफ वॉल लिख सकते थे आप चिल्ड्रन लिख सकते थे ये मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए ठीक है तो अगर आपने इन सब में से कुछ भी लिखा है या फिर बंगाल मॉडर्न ट्रेस ग्राफिक ब्रिट में से कुछ भी लिखा है तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है ठीक है सो वेल विद दिस आई होप आपका पेपर बहुत 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 अच्छा गया हो एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गाइड्स ओके सो टिल देन टेक केयर सी यू एंड बाय बाय